मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? मध्य प्रदेश का एकीकरण दोस्तों 1956 में हुआ। इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? मध्य प्रदेश 10 भागों में विभाजित है। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। इसका करेक्ट आंसर है बरगद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, ब्रांडेरी बारहसिंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 29 होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 230। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो दोस्तों सभी को पता होगा अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों कितनी होती है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 50 होती है। करेक्ट आंसर है ए। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रचारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रकाश श्री प्रकाश चंद्र जेठी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मुख्यमंत्री। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है, बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर डी। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 9.37%। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश के पंचायत राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किस ने बनाई थी? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी हावर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान का। ओके दोस्तों, याद रखना इसका भोपाल। अगले क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप विद्युत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेतवा नदी, सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नेपानगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई विद्युत नहीं बनाई जाती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे अधिक विश्वविद्यालय अपनी यूपी में दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की सीमा किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? बताइए दोस्तों, घोटुल प्रथा कौन सी जाति पर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मुड़िया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? दोस्तों एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण सहकार जिला कौन सा है? सहकार जिला कौन सा है बताइए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्न में से किस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश का प्रथम नहीं है, देश में प्रथम नहीं, बताइए दोस्तों। तो इसका करंट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कपास। ठीक है दोस्तों, कपास इसका करेक्ट आंसर होगा कपास। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अगली क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।